जाएगी। आजकल कोविड-19 की वजह से कई लोग डेंटल प्रॉब्लम्स को अवॉइड करते हैं और डेंटिस्ट के पास जाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि डेंटिस्ट के पास जाने के लिए आपको वहां पर जाके अपना मास्क हटाना पड़ता है और जो भी ट्रीटमेंट प्रोसीजर रहती है वो आपके मुंह में रहती है, तो आपको इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्रॉस इन्फेक्शन ये है कि एक पेशेंट को कोविड-19 है जिसके बारे में शायद डेंटिस्ट को भी पता नहीं था, तो वो पेशेंट के चले जाने के बाद वो इंस्ट्रूमेंट्स को कोई असिस्टेंट क्लीन कर रहा है या फिर वो डेंटिस्ट टच कर रहा है, तो डेंटिस्ट को भी इन्फेक्शन के चांसेस है, असिस्टेंट को भी इन्फेक्शन के चांसेस है। उसके बाद अगर दूसरा पेशेंट आता है जिसको कोई डिसीज नहीं है, तो डेंटिस्ट से या फिर असिस्टेंट से भी वो हेल्दी पेशेंट को डिसीज होने के चांसेस है। ये रीज़न की वजह से बहुत सारे लोग आजकल डेंटल ट्रीटमेंट अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे डेंटल डिसीजेस ऐसे भी हैं जिसमें आपको दर्द होता है और वो दर्द का सॉल्यूशन दवाइयाँ नहीं होती हैं, आपको ट्रीटमेंट करवाना ही पड़ता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ता है। तो आपको उधर जाके कौन कौन सी चीज़ें ऐसी नोटिस करनी है कि आपको पता चले आपकी ट्रीटमेंट सेफ रहेगी या नहीं, तो उसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन डेंटल एसोसिएशन की कुछ गाइडलाइंस हैं जो डेंटल क्लिनिक में फॉलो करनी होती है, जिसमें से एक ये है, डेंटिस्ट को और डेंटल असिस्टेंट दोनों को पीपीई किट पहननी होती है। लेकिन पीपीई किट का दूसरा ऑप्शन सर्जिकल गाउन भी होता है जिसको हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं, लेकिन एक पेशेंट के बाद दूसरे पेशेंट में यूज करने से पहले उसको वॉश करके ऑटोक्लेव करना जरूरी होता है। दूसरा है फेस शील्ड। फेस शील्ड पेशेंट से डॉक्टर यानी कि डेंटिस्ट को भी इन्फेक्शन होने से बचाता है और डेंटिस्ट से पेशेंट को भी इन्फेक्शन होने से बचाता है। और तीसरा जो बहुत ही ज़रूरी है जिसे कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, वो है मास्क एंड ग्लव्स। तो मास्क और ग्लव्स के बिना वैसे भी कोई डेंटिस्ट ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, लेकिन वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए कोविड-19 से अपने पेशेंट्स को बचाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए। और भी एक प्रोटोकॉल है कि इंस्ट्रूमेंट स्टरिलाइजेशन, जो इंस्ट्रूमेंट एक पेशेंट में यूज़ किए गए हैं उस इंस्ट्रूमेंट्स में पेशेंट का सलाइवा यानी कि थूक लगा हुआ होता है जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, तो उसको दूसरे पेशेंट में यूज़ करने से पहले दो स्टेप्स में स्टरिलाइजेशन करना चाहिए। पहला है केमिकल स्टरिलाइजेशन, जिसमें ग्लूटराडिहाइड करके एक केमिकल होता है, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स को डुबोया जाता है और कुछ वक्त के बाद उसको निकाल के ड्राई करके ऑटोक्लेव करके एक स्टरिलाइजेशन मेथड है, उसमें स्टरिलाइजेशन किया जाता है। ऑटोक्लेव में भी प्रॉपर टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन होना चाहिए। तो ये सब प्रोटोकॉल्स अगर कोई डेंटल क्लिनिक में फॉलो किए जा रहे हैं तो उस जगह पे वो डेंटल क्लिनिक से ट्रीटमेंट कराना आपके लिए बिल्कुल ही सेफ रहेगा। तो डेंटल ट्रीटमेंट अवॉइड ना करके सही डेंटल क्लिनिक को सिलेक्ट करके आपको अपना डेंटल ट्रीटमेंट जरूर करवा लेना चाहिए, डेंटल हेल्थ को अवॉइड नहीं करना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, बी वेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।